स्वच्छता ही सेवा है, ये पूरे भारतवर्ष में आज 1 अक्टूबर के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आप जानते हैं कि स्वच्छता जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। आप तमाम मोबाइल में देखेंगे कि मोबाइल का जो कलर ट्यून है वो भी कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर को 1 घंटे भी आप सेवादान श्रमदान करके देश को स्वच्छ बनाने में मदद करें। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय पवन सर हैं। सर, क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज ये देना है कि ये गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में स्वच्छता से ही सेवा अभियान चल रहा है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी पब्लिक पर इस माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दी जा रही है कि हम लोग अपने अगल बगल की साफ सफाई का ध्यान रखें, जो हमारे जो आने वाले समय के लिए भारत का एक नक्शा जो है बहुत अच्छा मैसेज देश के लिए जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय नगर आयुक्त सर भी है चास के। सर, पूरे चास नगर निगम की टीम और तमाम बड़े पदाधिकारी से लेकर तमाम टीम आज रोड सड़क पर है, लोगों को जागरूक कर रही है, सफाई कर रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और ये स्वच्छता ही पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जितनी एजेंसियां हैं, सरकार के जितने विभाग हैं, माननीय न्यायालय से लेकर जो भी प्रशासनिक महकमा है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी संस्थाएं अपना 1 घंटा का श्रमदान देने के लिए हर जगह 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 पर कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर चास चेकपोस्ट से लेके यहाँ अमृत पार्क तक हम लोगों ने भी सफाई अभियान चलाया है और ये लोगों को जन जन तक इस जागरूकता के माध्यम से जोड़ना है। और ये पूजनीय हमारे महात्मा गांधी जी का ये श्रद्धांजलि है हम लोगों की तरफ से 2 अक्टूबर के अवसर पर, और इस कार्यक्रम का समापन कल होगा और कल भी इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी कार्यक्रम कल भी होगा। हम लोग चास नगर निगम में बहुत सारा कार्यक्रम होगा। ये शिलापट का लेखन होगा जिसमें वीर शहीदों का उसमें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और इस अवसर पर मैं अपने सारे लोगों की तरफ से पूरे चास बोकारो वासियों से अपनी ओर से अपील करता हूँ कि स्वच्छता को अपनाया जाए और इस कार्यक्रम में सब लोग सहभागी बने और स्वच्छता को, शहर को, अपने गांव, समाज, परिवार को साफ सुथरा रहने में हम लोग मदद करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि तमाम सभी लोग हैं, सर की बातों को आपने सुना कि स्वच्छ रह के ही एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। हमारे साथ झालसा की मैडम भी है। मैडम, डालसा सेक्रेटरी है। मैडम, क्या मैसेज देने के लिए उतरी है आज? बस है कि आज हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग आप हमारा बैनर भी देख रहे होंगे, इसमें हमारा दिखाई हुआ है स्वच्छता ही सेवा है। हमारा बस प्रयास है कि लोगों को हम लोग जन जन को समझा सकें कि सफाई कितनी जरूरी है, मानसिक से लेके जो हम लोग क्लीननेस जो करते हैं सड़क से लेके घर तक, सभी स्वस्थ रहेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। NAC के डायरेक्टर हैं नूतन श्रीवास्तव जी, ये भी अपने बच्चों के साथ आई हुई है। मैडम, क्या मैसेज चल रहा है? देखिए, चास बोकारो ही नहीं, पूरा शहर स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है तो हम भी इस मुहिम के एक हिस्सा हैं। हमारा यह वसूल भी रहा है कि जो हमें आदर्श मिले उसको पालन करें और गांधी जी के सपनों को साकार करें और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भी सपनों को साकार करते एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें, हम उसी मुहिम में शामिल हैं। तो आपने देखा सबकी बातों को, सभी जितने बड़े पदाधिकारी हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी टीम जो है वो लगकर जो आज 1 घंटे का श्रमदान है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और चास ही नहीं पूरे बोकारो के लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने अगल बगल की गंदगी को साफ रखना होगा, तभी जाके एक स्वस्थ शरीर का और समाज का निर्माण हो सकता है। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, चास नगर निगम।